अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओपन बस राइड। सुबह सुबह का टाइम था और गट्टू चिंकी आज बिना मम्मी के उठाए ही जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे थे। अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों एकदम टाइम पर रेडी हो गए, क्या बात है? हाँ पापा, आज हमारे स्कूल वाले हमारी क्लास को ओपन बस राइड पे लेकर जा रहे हैं। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ पापा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है उस बस का ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन होता है, मैंने सुना है मेरे दोस्तों से। अरे हाँ गट्टू, और क्या, ओपन बस का यही तो मतलब होता है ना। हाँ पापा, आप जल्दी से हमें स्कूल छोड़ दीजिए, मुझसे तो सच में वेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, तुम दोनों पहले अपना अपना नाश्ता खत्म कर लो, और मैंने तुम दोनों के लिए लंच में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज भी रख दी है। अरे वाह मम्मी, आपने गुड्डी के लिए भी रखी है ना? हाँ मम्मी, और बड्डी के लिए? हाँ हाँ, उनके लिए भी। अब चलो नाश्ता फिनिश करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा तुम लोगों को स्कूल तक छोड़ देंगे, तुम दोनों लेट हो रहे हो। नाश्ता करने के बाद पापा गट्टू चिंकी को स्कूल गेट पर छोड़ते हैं। स्कूल के गेट पर ही गट्टू चिंकी की क्लास टीचर और सभी फ्रेंड्स खड़े थे, वो सब साथ में बस का वेट कर रहे थे। फिर गट्टू चिंकी जल्दी से पापा से गुड बाय करते हैं और बंटी और गुड्डी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चिंकी, तुम लोगों को इतना लेट कैसे हो गया? देखो बस आने ही वाली है। गुड्डी, मुझे तो एक्साइटमेंट में कल नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, पर मम्मी हमारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज बना रही थी, उसी में लेट हो गया। अरे वाह कुकीज, तुम लोगों को पता है मेरी मम्मी ने सैंडविचेस भेजे हैं। और मेरी मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स भेजे हैं। तभी वहाँ पे बस आ जाती है। बस से ड्राइवर अंकल निकलते हैं और सबको हेलो बोलकर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। बच्चों, बस में बैठने के बाद जब बस चलने लगे तब कोई भी खड़ा नहीं होगा और हाथ बाहर नहीं निकालेगा, और आप लोग तभी अपना लंच करना जब हम लंच टाइम पे कहीं रोकेंगे। कोई भी बच्चा बीच में टिफिन नहीं खोलेगा, और हाँ, ना ही किसी भी तरह की शरारत करेगा। ओके ओके अंकल। सब बच्चे बस में बैठ जाते हैं और उनकी ट्रिप स्टार्ट होती है। बच्चों, आज की इस ओपन बस राइड में मैं ही आपकी गाइड हूँ। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हम किन किन जगहों पर घूमेंगे और बस किस रूट को फॉलो करती हुई आगे बढ़ेगी। मेरी सभी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको इस ट्रिप का असली मजा आएगा। ओके बच्चों? यस मैम। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हाजी अली दरगाह। बच्चों, हाजी अली दरगाह हाजी अली शाह बुखारी की टॉम्ब है। वो उज्बेकिस्तान के एक सूफी सेंट थे। पता है आप लोगों को, यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, और ये दरगाह ईयर 1431 में बनी थी। मतलब ये दरगाह 592 साल पुरानी है। क्या 500 साल पुरानी? हाँ बच्चों। फिर बस आगे बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इरगोम चौपाटी की तरफ। तो कौन बताएगा मुझे इस चौपाटी के बारे में? लगभग आप सभी जाते होंगे, है ना? मैम मैम प्लीज, ये चांस कट्टू को दीजिए, वो यहाँ की तारीफ सबसे अच्छे से करेगा। हाँ 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 गट्टू, बताओ बताओ, हम सब सुन रहे हैं। मैम, यहाँ के गोलगप्पे सारी मुंबई में सबसे बेस्ट है। पाव भाजी और काला खट्टा तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। और हाँ मैम, यहाँ पे गणेश विसर्जन भी बहुत धूमधाम से होता है। वेरी गुड गट्टू, अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया तुमने। बच्चों, इस जगह को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? वोली सी फेस। हाँ टीचर, मैं कई बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। मैं भी। हाँ बच्चों, ये मुंबई की सबसे सुंदर जगहों में से एक है, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर भी यहाँ पास में ही है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर लोकेशन है। कितना मजा आ रहा है ना चिंकी, ये व्यू कितना सुंदर है और कितना अच्छा मौसम भी है ना। हाँ गट्टू, ऐसा तो हम कितनी बार घूमने निकले हैं, पर इस ओपन बस राइड का मजा ही कुछ और है। बच्चों, अब हम सिद्धि विनायक टेंपल के सामने खड़े हैं। सब लोग ब्लेसिंग्स ले ले।
आप सबको पता ही होगा कि ये मुंबई का बहुत फेमस मंदिर है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, मेरे पापा कहते हैं कि ट्यूसडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल ठीक हरी। बच्चों, ये हमारा हाई कोर्ट है, आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है? यस मैम, कोर्ट हमें जस्टिस दिलाता है। यस हरी, करेक्ट। बच्चों, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है। इसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनवाया गया था, समझे? यस मैम। बच्चों, अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। सब बच्चे अपनी अपनी सीट से एक्साइटेड होके देखते हैं। बच्चों, अब सब ने अपनी जीके की क्लास में गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा था ना? यस मैम। वेरी गुड। तो चलो बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था और इसे क्यों बनवाया गया था? चिंकी, तुम बताओ। टीचर, ये 1911 में बना था। वेरी गुड। गुडी, अब तुम बताओ कि ये क्यों बना था? टीचर, जब किंग एम्परर जॉर्ज वी इंडिया आए थे तब उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। वेरी गुड गुडी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है और अब हम फाइनली स्कूल चल रहे हैं। तब तक आप लोग मुझे एक एक करके बताओ कि आज की राइड में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैम, मुझे तो सबसे सुंदर वर्ली सी प्लेस लगा, वहाँ का व्यू कितना सुंदर था। हाँ मैम, मुझे भी। मैम, मेरी तो फेवरेट जगह चौपाटी ही थी, उसे देखकर ही पाव भाजी खाने का मन हो गया। और चिंकी और हरी, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था? मैम, मैं तो लगभग ये सारे लोकेशंस पर पहले ही घूम चुका हूँ, इसीलिए मेरा फेवरेट पार्ट था इस ओपन बस में घूमना, क्योंकि ऐसा मजा पहले नहीं आया। ओह गुड गुड, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबको इस राइड में मजा आया। इसी के साथ बच्चों की ओपन बस राइड कंप्लीट होती है और सबके पेरेंट्स उन्हें स्कूल पिक करने आते हैं। गट्टू चिंकी पापा को अपनी ट्रिप के बारे में बताते हुए घर चले जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।